हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और मैं सुबह 5 बजे घर से निकला था। दिल्ली से मैंने एक सबसे पहली बस ली थी 5:40 की, जिसने मुझे 11:45 तक यहाँ रामनगर छोड़ा है। रामनगर एक छोटा सा शहर है और काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसके आसपास एक तो हनुमान धाम, गर्जिया देवी टेम्पल और जिम कॉर्बेट, फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इधर ही है। जी हाँ, तो मैं रामनगर पहुंच चुका हूं। मैंने अपनी अगली बस की टिकट ले ली है जो मुझे मेरे गांव तक लेके जाएगी। तो सफ़र शुरू हो चुका है दोस्तों, और रामनगर पार करते ही जंगल पूरा शुरू हो जाता है। इस रामनगर क्रॉस करते ही जंगल है सारा, और ये एक जंगल घना होता रहता है। जैसे जैसे आप टूर में आगे बढ़ते रहते हैं पहाड़ों की तरफ, तो जंगल घना होता रहता है। सारा का सारा ये जंगल जिम कॉर्बेट क्षेत्र के अंदर आता है। काफ़ी डेंजरस है यहाँ पे खाली घूमना, क्योंकि इधर ऐसा कहा जाता है कि 500 से ज़्यादा टाइगर्स यानी कि बाघ हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सुरक्षित नहीं है ये जगह, अगर आप खुलेआम वैसे ही घूम रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। तो कहते हैं दोस्तों कि सफ़र का मज़ा ज़्यादा होता है मंजिल पे पहुँचने से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सफ़र का भी मज़ा आएगा, और जब आप पहाड़ी इलाके में अपने गांव या किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको वहाँ पहुँच के भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शहरों में वो ताज़ी हवा नहीं मिलती। और जैसे कि अभी आपने देखा, ऐसे नज़ारे भी देखने को नहीं मिलते, जैसे हाथी का आना जाना, ये सब शहरों में नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है ये चीज़। देखिए, बीच में बरसाती नदी पड़ती है, एकदम बरसात के टाइम में पूरी भर जाती है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बंदर हमारी गाड़ी के नीचे आके इसका दी एंड हो गया। इसके लिए बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन यहाँ पर खेल रहे थे और एक बंदर ने शायद इसको पोक किया या डरा दिया, तो ये उछल के सीधा सड़क पे कूद गया। इसमें इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि गाड़ियों से आने जाने वाले लोग इनके लिए कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, तो इनको आदत हो जाती है सड़कों के किनारे खड़े रहने की। अब इसमें गाड़ी वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो इनकी भलाई के लिए खाना खिलाने के उससे फेंकते हैं, लेकिन इससे इनकी आदतें बिगड़ जाती हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के सड़कों के किनारे अपना जमघट लगा के खड़े हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं अभी कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल हेडसेट से ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ सकती हैं जो मेरे अंदर गाँव के अंदर लोग हैं उनकी, बच्चों की, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये देखिए, पहाड़ प्रॉपर शुरू हो चुके हैं। रामनगर से लगभग 3 घंटे लगते हैं गांव मेरे गांव तक पहुँचने के लिए, मतलब मेन मार्केट तक पहुँचने के, जिसका नाम है अदाली खान। वीडियो को देखते रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए, गांव की सड़कों में आपको ये पत्थर वगैरह ये सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टूट फूट जाती हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है, बारिश के साथ साथ पहाड़ों का सरकना, लैंडस्लाइड थोड़ा बहुत होना, पत्थरों की गिरना, ये नॉर्मल सी बात होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, तो ऐसा होता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंटेनेंस चलती रहती है और सड़कों की हालत काफ़ी अच्छी है इस साइड, और गवर्नमेंट को मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये अदाली खाल मार्केट है, ये मेन मार्केट है हमारी, और ये हमारे गांव का रास्ता ऐसे शुरू हो जाता है। आनंद उठाइए नज़ारों का और नेचुरल आवाज़ों का जो आपको सुनाई देंगे।
जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो देखिए जंगलों में ऐसे आग लगवा रखी थी या लगा रखी थी गाँव में, कि जो पेड़ होते हैं ये चीड़ के ये अपने पत्तियाँ जब गिराते हैं तो काफ़ी स्लिपरी होते हैं, तो उसमें पैर फिसल सकता है, इसलिए उनको जला दिया जाता है। वो है गांव मेरा, वो जो दिख रहा है आज बिल्डिंग दिख रही होंगे कुछ छोटी छोटी, कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी और ख़राब हो जाएगी है ना। आवाज़ सुनिए हवा की, तो दोस्तों ये है गांव की एंट्री। यहाँ से ये आसपास का नज़ारा है, ये है हमारा किचन, ये है हमारा हॉल बैठक जिसे बोलते हैं, ये ग्रीन जो घर है बीच में ये भी हमारा है। और ये जो बकरी देख रहे हैं ये अभी अप्रैल में जब मैं गांव आया था तो ये बहुत छोटी थी, इसकी फोटो ये है। और ये देखिए ये एक और, ये पहाड़ी कुत्ता, आजा देखिए इन दोनों की बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है, देखना।
लगता है एकदम समझौता हो गया, मैं भी लड़ रहे थे बहुत पूरी तरह। तो दोस्तों, ये रात के 12:30 बजे का वीडियो है। वॉशरूम जाना था और इतना अंधेरा था गाँव में, फिर भी मैंने हिम्मत करके रिकॉर्डिंग करी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो बाकी वीडियोज़ मैं कल बनाता हूँ, कल आपको पूरा गांव दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग। और ये देखिए डर के भाग रहा हूँ मैं। ओके बाय, टेक केयर।